और अब खबर यूपी के बहराइच के बाद एमपी के खंडवा में भी भेड़िए का आतंक देखने को मिला है। यहां के मलगांव में आधी रात के बाद भेड़िए ने 5 लोगों पर हमला बोल दिया। आधी रात के बाद हुए हमले के बाद लोगों ने भेड़िए को पकड़ा तो वहीं हमले में घायल लोगों का अस्पताल में इलाज किया गया। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। बहराइच में तो भेड़िए का आतंक है ही, एमपी के खंडवा में भी एक भेड़िए के हमले की जानकारी मिली है। लोग दहशत में हैं। आधी रात को भेड़िए ने 5 लोगों पर हमला कर दिया। लोगों ने भेड़िए को पकड़ लिया तो वहीं हमले में घायल लोगों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। प्राथमिक जांच में जो फोटोग्राफ हमें प्राप्त हुए उसमें वन्य जीव की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, परंतु जो ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि सुबह 5 से 6 बजे का समय प्रातः वो लोग बाहर सो रहे थे, उस समय उनके द्वारा हमला किया गया। एक महिला के सिर पर चोट आई है, उसके अलावा किसी की बाहों में, किसी के हाथों पर काटा है और वो भाग गया, ये बताया जा रहा है। मामले की छानबीन के लिए हमारा स्टाफ मौके पर पहुंच चुका है। ऐसे जांच के बाद में जो भी तथ्य सामने आते हैं हम आपके सामने रखेंगे। अमित जायसवाल हमारे सहयोगी खंडवा से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, क्या इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं और अभी क्या कहा जा रहा है प्रशासन की ओर से? जी, मैं बता दूं कि अगर भेड़िए के हमले की बात की जाए तो काफी समय से इस तरह का कोई हमला यहाँ नहीं हुआ है। आज जब ये मामला सामने आया तो लोगों को यूपी और बहराइच की याद आ गई और जो डर है और जो दहशत है वो ज्यादा बढ़ गई। आधी रात से अल सुबह तक भेड़िए ने जो हमला किया है उसमें 5 लोग घायल हुए हैं। एक महिला के सिर में जो है वो ज्यादा चोट आई है और वो उसको जो है ज्यादा परेशानी हो रही है। उसके अलावा अन्य लोगों पर भी जो है हमला हुआ है। वन विभाग को जैसे ही सूचना मिली टीम मौके पर पहुंची है। जानकारी ये भी आ रही है कि जो भेड़िया था उसे पकड़कर मार भी दिया गया, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, टीम अभी तलाश कर रही है। लेकिन जो घायल है उनका इलाज कराया जा रहा है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी जा रही है। जी धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। पकड़ लिए और आइए आप देखते हैं सुपर फास्ट 100।